Has Saleem written a book? ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हैज सलीम रिटन अ बुक, तो ये एक्टिव फॉर्म इसकी क्या बनती है कि हैज़ हैव हैड आएगा पहले, तो इसमें हैज़ आया हुआ है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है अ बुक, ये इसका ऑब्जेक्ट है। तो इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं कि हैज़ हैव हैड पहले आएगा फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट अ बुक। तो हैज़ अ बुक, हैज़ द बुक, ये गलत हो गया, और इन दोनों में से कोई ऑप्शन है या फिर डी ऑप्शन होगा। फिर बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैज़ अ बुक बीन थर्ड फॉर्म, यहाँ पर बीन नहीं है इसलिए ये गलत हो गया, ए ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ पर बीन थर्ड फॉर्म आ गई, बाय सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पर सलीम था और वो सलीम यहाँ आ गया, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी।